बात सनसेट देख के जब वापस आए तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल मार्केट था जहाँ पे आपको लोकल काफी सारी क्रिएटिव चीजें देखने मिलेगी, जैसे कि ब्यूटीफुल एसेसरीज देख के अंकिता ब्लैंक हो गई थी। रात की लाइटिंग में पूरा रणोत्सव बहुत ही अलग फील देता है। फिर यहाँ के लोकल्स एंड ढोल वालों के साथ हमने बहुत जम के नाच किया। मजा आ गया, प्यास लगी थी तो पानी कलेक्ट करने के लिए गए, पानी पिया और उसके बाद यहाँ पर एक मशीन है जो कि काफी हेल्पफुल है, जो आपकी यूज बॉटल को क्रश कर देता है और आप डोनेट भी कर सकते हो। और ये है सारी सुविनियर शॉप्स, ये भी हमको जानते थे, इन्होंने हमको माजा पिलाई। थोड़ी देर के लिए टेंट की तरफ गए, उसके बाद हमने कपड़े चेंज कर लिए और निकल पड़े डिनर के लिए। एक तरफ मम्मी डिनर ले रही थी और मैं सब्सक्राइबर को मिल गया। यहाँ पे लाइव कॉन्टेस्ट भी थे और खाना अमेजिंग था। ये भैया भी हमारे वीडियो देखते हैं। फिर मैंने लिया गर्मा गर्म तवा दूध। आप में से किसको तवा दूध पसंद है कमेंट जरूर करना। फिर वहां से हम निकल चुके थे कल्चरल प्रोग्राम देखने के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। वहां का कल्चर, वहां का टैलेंट, वहां की एनर्जी माइंड ब्लोइंग। अंकिता ये प्रोग्राम एकदम प्रॉपर बच्चे की तरह एंजॉय कर रही थी, पर सच में ये अंकल का टैलेंट कुछ नेक्स्ट लेवल पे था। और यहीं पे मुझे एक पुराना दोस्त भी मिल गया। उसके बाद यहाँ हुई जमके डांस पार्टी। आप लोग सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, तो पिन कमेंट को चेक करना मत भूलना।